इस संक्षिप्त निर्देश में हम दिखाएंगे कि स्प्लिट टोकन के साथ लेन देन कैसे करें। कृपया ध्यान दें कि ट्रांजैक्शन प्राप्त करने के लिए आपके वॉलेट बैलेंस में स्मार्ट कॉइन होने चाहिए। अपना वॉलेट खोलें, मुख्य स्क्रीन पर स्प्लिट ढूंढें और उस पर क्लिक करें। टोकन भेजने के लिए सेंड बटन पर क्लिक करें। वह वॉलेट एड्रेस दर्ज करें जिस पर आप टोकन और लेन देन राशि भेजना चाहते हैं। कार्रवाई की पुष्टि करें। एक स्क्रीन दिखाई देगी जो दर्शाती है कि लेन देन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। स्प्लिट टोकन प्राप्त करने के लिए रिसीव बटन पर क्लिक करें। खुलने वाली स्क्रीन पर आपको अपने वॉलेट का एड्रेस दिखेगा जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। साथ ही आप QR कोड के रूप में भी एड्रेस देख सकते हैं। आप बस उन पर क्लिक करके एड्रेस और QR कोड कॉपी कर सकते हैं। आप तुरंत टोकन की उस संख्या को दर्ज कर सकते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं और उस व्यक्ति को QR कोड भेज सकते हैं जिससे आप ट्रांजैक्शन प्राप्त करना चाहते हैं। जब उपयोगकर्ता QR कोड को स्कैन करेगा तो आपके द्वारा मांगी गई राशि तुरंत उनकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि स्प्लिट टोकन का कोई भी आउटगोइंग ट्रांजैक्शन, भले ही वह 1000 में से एक स्प्लिट का हो, सभी टोकन की आयु रीसेट कर देता है। यदि आपका कोई सवाल है तो कृपया सपोर्ट से संपर्क करें और हमें आपकी सहायता करने में खुशी होगी। हम आपके सफल कार्य की कामना करते हैं।